करना नहीं, क्योंकि कोई और आपके लिए काम करने वाला नहीं। दोस्तों, इसी से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बांबू जो लगभग 60 महीनों तक जमीन से बाहर नहीं आता, अंदर ही अंदर बढ़ते रहता है, लेकिन बाद में जब वो जमीन से बाहर आता है तब करीब करीब 70 से 80 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है और बढ़ता ही रहता है। हमारे आने वाले स्पीकर जिन्होंने खेती से ऊर्जा के निर्माण का कार्य आरंभ किया था, तब इसे बढ़ावा देने वाले चंद मुट्ठीभर लोग थे, लेकिन आज हमारे एमसीएल पे विश्वास रखने वाले, एमसीएल के साथ जुड़ने वालों की संख्या लाखों में है। हजारों में लोग रोजाना इस मिशन के साथ जुड़ रहे हैं। यह जीत है विश्वास की। यह विश्वास दिलाने वाले हमारे स्पीकर अभिनंदन के हकदार है। इस विश्वास की कड़ी और इस विश्वास को आगे बढ़ाने वाले जो स्पीकर है उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं जीनियस यंग एंड डायनामिक पर्सनालिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल मिस प्राची ढोले। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द फैमिली ऑफ मीरा क्लीन फील्ड्स लिमिटेड। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। और आज अगर हम सोचते हैं तो हमारी ह्यूमन लाइफ 100% हम ये सोचते हैं कि वो सिर्फ फूड पे डिपेंडेंट है, तो ये हम एकदम गलत सोचते हैं। दिस इज बिकॉज आज हमारी छोटी छोटी एक्टिविटी हर एक करते हैं तो उसको डिग्रेड होने के लिए सिर्फ 3 से 4 महीना लगता है।
यही नहीं, अगर पेपर इंडस्ट्री के लिए जो ट्रीज लगाए जाते हैं उसको 20 से 40 साल लगते हैं बड़े होने के लिए, लेकिन हेम्प इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट आफ्टर बाम्बू, जिसका इस्तेमाल हम पेपर इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज्यादा कर सकते हैं। और इंडिया में ऐसे कई प्रूफ्स है जिससे पाया जाता है 3000 साल से ज्यादा इसका साल से भी ज्यादा हम इसका इस्तेमाल इंडिया में करते थे। अभी ग्लोबल लेवल पे आते हैं, ग्लोबल लेवल पे अमेरिका ने अभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल शूज, दीज आर दी नेचुरल शूज और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मटेरियल है वो मटेरियल आता है चाइना, और ये चाइना से इस तरीके से आता है कि चाइना ने आज हेम्प प्रोडक्शन को प्रमोट किया है और 30 लाख से ज्यादा फार्मर्स जो है, जो हमारा नॉर्थ रीजन और उनका जो रीजन है वहाँ पे इस हेम्प का प्रोडक्शन करते हैं, और ये शूज जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका मटेरियल आता है अगेन चाइना से। चाइना ने आज तक 300 से भी ज्यादा पेटेंट्स हेम के लिए खुद के नाम पे किए, और हेम का अगर हम उपयोग देखते हैं तो 30,000 से ज्यादा यूजेस हेम के हो सकते हैं। इसी तरीके से जब इसका इस्तेमाल एक मुंबई बेस्ड कंपनी, बॉम्बे हेम कंपनी, बुभेको नाम की कुछ कंपनी है जिसमें कुछ मुंबई के लड़कों ने ये देखा कि इसका जो इस्तेमाल है इंटरनेशनल लेवल पे इस तरीके से हो रहा है, तो क्यों ना हम इसे इंडिया में भी प्रमोट करें। तो उन्होंने जो हमारा रीजन है जहाँ पे नेचुरली हेम ग्रो होता है, दैट इज नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे कई स्टेट्स में उन्होंने इनका प्रमोशन किया, और उसमें से जो उत्तराखंड के 2012-13 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने उसका फाइबर देखा और उसका मटेरियल उन्होंने जो परिधान किया, उनको समझ में आया कि ये बहुत जरूरी है। इसीलिए आज पूरे भारत में उत्तराखंड ही एक ऐसी कंट्री स्टेट है जिसने ऑथराइज्ड लाइसेंस जो है वो हेम का लिया है। दिस इज बिकॉज 1985 के बाद में हेम का प्रोडक्शन इंडिया में बैन कर दिया है, लेकिन जैसे मैंने बोला 0.2% की जो जाति है उसका इंडस्ट्रियल यूज के लिए उसका कल्टिवेशन करना जो है, तो उसका लाइसेंस उत्तराखंड ने लिया। अभी ये जो चीजें होती है उत्तराखंड में, ये लेने के बाद में उन्होंने उसका प्रमोशन अपने हर एक गांव में किया। तो उत्तराखंड वैसे तो एक देवभूमि के नाम से जानी जाती है, जिन जहाँ पे किसान हो या बाकी जो लोग हैं उनकी 100% जो जीना है वो टूरिस्ट पर डिपेंड होता है, लेकिन और जब टूरिस्ट नहीं होते तो उनका जो जीवन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में जब ये हेम का कल्टिवेशन जो कि नेचुरली उनके पास में ग्रो होता है उसके उन्होंने इंडस्ट्रियली तरीके से देख के स्टार्ट किया, तो ऐसी स्टोरी एक स्मॉल बूना देवी की है जो कि वहीं पे रहती है, और आने जाने वाले जो भी टूरिस्ट थे उनके लिए वो जूस बना के अपना डेली जो गुजारा है वो करती थी। लेकिन जब ये हेम का प्रोडक्शन हुआ और जब किसान इनका प्रोडक्शन करने लगे तो यही किसान इनके पास लेके आने लगे, और इन्होंने अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार किया जहाँ पे यही हेम का प्री प्रोसेसिंग होके उसके फाइबर तैयार करके वो इंडस्ट्री के लिए देते हैं। तो और इसी से उनको सिर्फ 5,000 रुपए महीना मिलता है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये मेरे और मेरे बच्चों, 3 बच्चों जो है उनको पढ़ाने के लिए सफिशियंट है। इसी तरीके से ये कनेक्शन है, एक ग्लोबल लेवल पे कोई प्रोडक्ट है लेकिन वो प्रोडक्ट को अगर हमें अपने लेवल पे या उसमें हमें भारत को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो उसका डायरेक्टली कनेक्शन आता है इंडियन विलेजेस पे, विलेजेस में किसानों पे, और किसानों के साथ में जो भी महिलाएं हैं वो पर्टिकुलर विलेजेस में उन पे आता है। और इसी का ही जब MCL विचार करती है तो उस विचार से जन्मा है MCL विलेज प्रोजेक्ट। MCL विलेज प्रोजेक्ट में सिर्फ हेम्प नहीं बट वो एरिया के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, जितने भी नेचुरल केमिकल्स है जिससे हम मैनमेड केमिकल्स को रिप्लेस कर सकते हैं, उसका मेन सेंटर बनेगा MCL विलेज प्रोजेक्ट। और अभी वी विल मूव टुवर्ड्स अवर वेबिनार सेशन जिसमें हम MCL प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का रास्ता जो है वो भारत के देश के रास्तों से कैसे जुड़ा है ये देखेंगे। और वो रास्ता दिखाने के लिए अभी मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने एक तालुका को सुजलाम सुफलाम तालुका हम कैसे बना सकते हैं इसका रास्ता खुद बनाया, हमें दिखाया, और वो उस पे कैसे चलना है ये हमेशा वो हमें हर फ्राइडे सेशन में बताते हैं। तो लेट्स वेलकम नन अदर देन MCL के एडवाइजर, स्ट्रेटजिस्ट एंड प्लानर डॉक्टर श्याम गुलाब सर। थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गुलाब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग से
सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एक घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट यानी मनुष्य का किसी चीज का किसी वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। अब ये ट्रांसपोर्ट तीन अलग अलग चीजों से हो सकता है। एक तो हवा से हो सकता है, हवा में हवाई जहाज होते हैं वो ये ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। पानी से हो सकता है कि जब जो समुद्र का पानी है, नदियों का पानी है, वह ये जो जहाज है, नाव है, वो कर सकते हैं। और हमारे जमीन के ऊपर भी दो चीजों से ये ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। एक तो लोहे पे चलने वाली जो रेल की पटरी है उस पे रेल से, और दूसरा है रास्ता सड़क रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट ये रोड से तैयार होने वाली और उसके